राजधानी जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित जे क्लब में 28 जनवरी की रात को अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसके बाद सभी शहरवासी सकते में आ गए। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर ने ली थी, जिस पर जवाहर सर्किल पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ऋतिक बॉक्सर की बहन लवीना ठाकुरवानी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि लवीना ठाकुरवानी ऋतिक का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती थी। वहीं पुलिस की साइबर जांच में सामने आया कि ऋतिक बॉक्सर के नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट कई जगह से संचालित होता था, जिसकी एक यूजर उसकी खुद की बहन लवीना निकली। लवीना ने अपने भाई के फेसबुक अकाउंट का यूज कर कई पोस्ट शेयर की थी। वहीं अब इस मामले में डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि इस मामले में लवीना के अलावा होटल कृष्णा प्राइड के संचालक रामचंद्र सिंह, रोहन पासवान, हरिभजन, रविंद्र सिंह शेखावत और अनिता मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि 28 जनवरी को जी क्लब में फायरिंग करने वाले आरोपी प्रदीप शुक्ला, भूपेंद्र, ऋषभ और नाबालिग को रामचंद्र ने बिना आईडी के ही अपनी होटल में ठहराया था, जहां पर बदमाशों ने इस पूरी वारदात की योजना बनाकर तैयार की थी। गौरतलब है कि लॉरेंस गैंग ने जी क्लब के मालिक से करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसके साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद 29 जनवरी की रात को जी क्लब के बाहर ताबड़तोड़ 19 राउंड गोलियों की आवाज से जयपुर शहर गूंज उठा। अब फायरिंग मामले में मुख्य आरोपियों का सहयोग करने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रामचंद्र सिंह, रोहन पासवान। गौरतलब है कि लॉरेंस गैंग ने जी क्लब के मालिक से करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी। इसके साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद 29 जनवरी की रात को जी क्लब के बाहर ताबड़तोड़ 19 राउंड की गोलियों से जयपुर शहर गूंज उठा था। अब फायरिंग मामले में पुलिस आरोपियों का सहयोग करने के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।